कर्नाटक में येदियुरप्पा ने पेश किया सरकार बनाने का दावा। बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद राज्यपाल से मुलाकात की। सूत्रों की खबर, कल शपथ ले सकती है येदियुरप्पा सरकार, राजभवन से आज शाम तक दिया जा सकता है शपथ का न्योता। मुलाकात के बाद येदियुरप्पा ने कहा राज्यपाल वजूभाई वाला ने कानून विशेषज्ञों से बात करके जल्द फैसले लेने का भरोसा दिया है। येदियुरप्पा को न्योता मिला तो कांग्रेस दे सकती है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। सूत्रों की खबर, राजभवन पर धरना देने की भी तैयारी। राजभवन के आगे विधायकों की परेड भी करा सकती है कांग्रेस। जेडीएस और कांग्रेस विधायकों को लेकर राष्ट्रपति के सामने जाने की भी तैयारी। जेडीएस ने कुमारस्वामी को विधायक दल का नेता चुना। कुमारस्वामी ने कहा मुझे सत्ता की भूख नहीं, बीजेपी लोगों की गलती से सबसे बड़ी पार्टी बनी। कुमारस्वामी ने बीजेपी पर 100 करोड़ रुपए की पेशकश का आरोप लगाया, कहा हमारे विधायकों को पैसा और मंत्री पद का ऑफर दिया जा रहा है। कुमारस्वामी का पीएम मोदी पर अधिकारों के गलत इस्तेमाल का आरोप, कहा सत्ता का ऐसा दुरुपयोग 70 साल में कभी नहीं हुआ। कुमारस्वामी ने कहा राज्यपाल बीजेपी को तब बुलाएं जब हम बहुमत ना दिखा पाए। कांग्रेस के पास बहुमत संख्या से 4 ज्यादा विधायक। कर्नाटक में कांग्रेस को उल्टा पड़ सकता है अपना गेम प्लान। कांग्रेस विधायकों की बैठक में करीब 12 विधायक नहीं पहुंचे। कांग्रेस के लिंगायत विधायक एमबी पाटिल बैठक बीच में छोड़कर चले गए। बाहर निकलकर कहा मेरे साथ 6 और विधायक हैं। कांग्रेस की बैठक में गायब विधायकों में से ज्यादातर लिंगायत हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के संपर्क में हैं सभी विधायकों के गायब होने से कांग्रेस अब तक नहीं दे पाई है जेडीएस के समर्थन का पत्र, पूरे नहीं हो पाए सभी दस्तावेज। गायब विधायकों की खोज खबर शुरू। सूत्रों के मुताबिक बीदर और गुलबर्गी के विधायकों को लाने कांग्रेस भेज सकती है हेलीकॉप्टर। विधायकों को डूबने से रोकने के लिए रिजॉर्ट में भेज सकती है कांग्रेस। बेंगलुरु के पास रिजॉर्ट में 100 कमरे बुक करा दिए। कांग्रेस नेता जी के शिव कुमार रखा है ईगल रिजॉर्ट। गुजरात के कांग्रेस विधायक भी इसी रिजॉर्ट में ठहरे थे, लेकिन शिवकुमार ने विधायकों को रिजॉर्ट भेजे जाने का खंडन किया, कहा सब एकजुट है, कोई नहीं टूटे। कर्नाटक की उठापटक के बीच जेडीएस के भी 2 विधायक गायब। बेंगलुरु के होटल शंग्रीला में जेडीएस की बैठक में नहीं पहुंचे। राजा वेंकटप्पा नायक और वेंकट राव हैं जेडीएस के 2 गायब विधायक, बीजेपी नेताओं के संपर्क में बताए जा रहे हैं। कांग्रेस की बैठक से पहले सिद्धारमैया का दावा, कहा कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट है, कोई नहीं टूटेगा। कांग्रेस विधायक लिंग गौड़ा का दावा, बीजेपी ने मुझे खरीदने की कोशिश की, मंत्री पद और पैसे का भी ऑफर दिया। जेडीएस के नेता श्रवण ने भी बीजेपी पर खरीद फरोख का आरोप लगाया, कहा हमारे 4 से 5 विधायकों के संपर्क में कोशिश में है बीजेपी। कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए बीजेपी नेता के ईश्वरप्पा का बड़ा दबाव, कांग्रेस और जेडीएस के कुछ विधायक हमारे साथ। कर्नाटक के रानी बेन्नूर से निर्दलीय विधायक शंकर येदियुरप्पा के साथ देखे गए, कल तक कांग्रेस के संपर्क में। केंद्रीय पर्यवेक्षक प्रकाश जावड़ेकर ने कहा पिछले दरवाजे से सत्ता पाना चाहती है कांग्रेस, जेडीएस को समर्थन जो है वो अनैतिक है। जावड़ेकर ने देवेगौड़ा का जवाब दिलाया, राहुल गांधी के अपशब्द कहा इसी कांग्रेस ने जेडीएस को बीजेपी की बीचिंग कहा था। बीजेपी ऑब्जर्वर जेपी नड्डा ने कहा कर्नाटक ने बीजेपी को दिया है जनादेश, बीजेपी की ही सरकार बनेगी। बीजेपी नेता आनंद कुमार ने कहा सोनिया गांधी और राहुल गांधी स्वीकार करें कांग्रेस की हार, बंद करें सत्ता को हथियाने की कोशिश। गुलाम नबी आजाद ने कहा बीजेपी जब से सत्ता में आई है उसका एक ही धर्म रह गया, विपक्ष को तोड़कर अपनी सरकारें बनाना। गुलाम नबी आजाद ने कहा लोकतंत्र में कभी विश्वास नहीं रहा बीजेपी का, कर्नाटक में कल से ही शुरू कर दी थी जोड़ तोड़ की कोशिश। ऑल इंडिया एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी ने कुमारस्वामी को अभी से सीएम कहकर बधाई दी है, लेकिन ट्वीट में कांग्रेस का नाम तक नहीं लिया। राज्य की 224 में से 222 विधानसभा सीटों पर 12 मई को मतदान हुआ था, जिसमें बीजेपी को 104, कांग्रेस को 78 और जेडीएस को 38 सीटें मिली। वोट प्रतिशत में कांग्रेस ने बीजेपी से
बाजी मारी। बीजेपी को कुल 36.2% के मुकाबले कांग्रेस ने 37.9% वोट हासिल किए। बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया का बीजेपी पर आरोप, का इनकी आदत है विधायकों के खरीद फरोख्त की। 2019 में जनता इनका सफाया करेगी।